चेन्नईयन एफसी को इतनी बुरी तरीके से मार पड़ी आज एफसी गोवा से। यार आज वो कौन सी टीम से उतरे हैं फील्ड पे खेलने के लिए, आई हैव नो आइडिया। या फिर एफसी गोवा क्या खा के आया था, क्या मेंटेलिटी रहा है उनका एंटरिंग इनटू दिस गेम एंड प्लेइंग इट दैट वे। यार 5 गोल्स, मतलब आराम से 6-7 गोल आज वो कर सकते थे। मतलब व्हाट रियली हैपेंड विद चेन्नईयन एफसी यार, इस तरीके से उन्होंने सीजन तो शुरू नहीं किया था, बट द वे इट इज गोइंग इट्स रियली रियली वियर्ड एंड स्ट्रेंज द वे दे आर प्लेइंग। 5 गोल्स कंसीड किए, 4 तो पहले हाफ में ही हो गए थे यार। फर्स्ट हाफ के बाद चेन्नईयन एफसी रिकॉर्डेड 0 शॉट्स एंड 0 ऑन टारगेट, एंड तब तक उन्होंने 4 गोल्स ऑलरेडी कंसीड कर लिए थे। 40th मिनट तक सिर्फ 2 गोल्स कंसीड किए थे, तब भी था कि हाँ यार गेम हाथ में है। आई एम सॉरी, आई थॉट देयर इज समथिंग। सो 40th मिनट तक लगा कि हाँ यार गेम हाथ में है, लेकिन फिर 5 मिनट्स बचे थे गेम में यार। दैट इज वेन यू कंट्रोल द गेम, बिकॉज दैट इज वेन यू शुड नॉट कंसीड, स्पेशली वेन यू आर 2 गोल्स डाउन। अगर हाफ टाइम तक 2-0 भी रहता ना स्कोर लाइन, तो भी कुछ था फॉर चेन्नईयन एफसी टू लुक फॉरवर्ड टू इन द सेकेंड हाफ। बट 4-4 गोल कंसीड करके बैठ गए, व्हाट वर यू थिंकिंग विल हैपन इन द सेकेंड हाफ यार। बट दैट इज रियली रियली अ पुअर, वेरी पथेटिक परफॉर्मेंस बाय चेन्नईयन एफसी, एंड आई कांट जस्ट पुट द ब्लेम ऑन द डिफेंडर्स बिकॉज एवरीबडी इज टू बी ब्लेम्ड ऑन दिस वन, बिकॉज इट वॉज सीरियसली वेरी शिटी परफॉर्मेंस बाय चेन्नईयन एफसी। चेन्नईयन एफसी वॉज गोइंग अगेंस्ट अ टीम एफसी गोवा जो कि पिछले 5 मैचेस से विनलेस रही है। सो दे हैव हैड ड्रॉस, दे हैव हैड लॉसेस, बट गेम्स जीते नहीं थे। तो यू आर गोइंग अगेंस्ट अ टीम लाइक दैट, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार हम कुछ तो निकाल लेंगे यहाँ से। बट व्हाट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इज, कैन वी पुट द इंटायर ब्लेम ऑन चेन्नईयन एफसी? हम ये नहीं बोल सकते कि एफसी गोवा के पास एक्चुअली में आज पता नहीं क्या ये लोग खा के आए थे कि एवरी प्लेयर वॉज परफॉर्मिंग सो डैम वेल, स्पेशली दैट लेफ्ट बैक आइबन। माई गॉड, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय द गाय। आइबन लेफ्ट फुल बैक पोजिशन पे खेलते हैं, बट ही वॉज एवरीवेयर, इन अटैक, इन डिफेंस, कहीं पे भी देखो आइबन वॉज देयर। जो पहला गोल हुआ वो एडू बेदिया ने थोड़ा वाइड खिलाया आइबन को, और आइबन ने वहां से इतना सही क्रॉस दिया एंड छोटे वॉज देयर, एंड छोटे ने वहां से कन्वर्ट कर दिया। इट वॉज आई थिंक 6th मिनट ऑफ द गेम। जब तुमको अर्ली लीड मिल जाता है गेम में ना, तो अलग कॉन्फिडेंस आता है टू गो इन टू द गेम। चलो कोई बात नहीं, अभी अर्ली गोल मिल गया है, अभी हम आराम से गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी साइड से नहीं, एफसी ने अगर इतने जल्दी गोल कंसीड कर लिया था, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था कि हम अगले गोल ऐसा जल्दी जल्दी से कंसीड ना करें, और थोड़ा यू नो बेटर वे में फुटबॉल खेलें। बट द वे दे परफॉर्म टुनाइट वाज पथेटिक। फिर आता है दूसरा गोल, उसमें भी आइबन का इन्वॉल्वमेंट है। तो एकदम उन्होंने बायलाइन पे जाके कट क्रॉस किया अंदर, जो कि छोटे ने मिस कर दिया, बट देयर वाज द मैन, देयर वाज दैट आर्चर, एंड दैट इज ऑर्टिज, और ऑर्टिज ने वहां से कन्वर्ट कर दिया, एंड दैट इज हाउ सेकंड गोल भी हो गया। बट सोचो, 2 ही गोल हुए थे 40th मिनट तक, अभी भी चेन्नईयन एफसी के पास बहुत कुछ था बिगाड़ने के लिए, दे डिडंट इवन ट्राई। फिर 40th मिनट के बाद ऑर्टिज ने अपना दूसरा गोल मारा, जो कि अनिरुद्ध थापा से थोड़ा डिफ्लेक्शन होके वो गोल हुआ, दो इट वॉज इनिशिएटेड बाय आइवन, बट देन ऑर्टिज कन्वर्टेड इट, एंड दैट इज हाउ दे गॉट द 3rd गोल एज वेल। एंड उसी के 2-3 मिनट बाद आइवन ने क्या सुंदर क्रॉस मारा इनसाइड द पेनल्टी बॉक्स ऑफ चेन्नईयन एफसी, और वहां पे नारायण थे, और उन्होंने मतलब यू नो ही वाज ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट द बॉल की थोड़ा डेंजरस एरिया से बाहर करे, पर वो उन्हीं के जो बॉक्स में अंदर चला गया एंड गोल हो गया। 15 मिनट के ब्रेक के बाद क्या ऐसा पॉसिबल था दैट चेन्नईयन एफसी कुड हैव फाउंड देयर वे बैक इनटू द गेम? हो सकता है अगर उन्होंने मे बी 2 गोल्स जल्दी कर देते, पर वो इंटेंशन ही नहीं दिखा उनमें से कहीं से। जब पहले हाफ में ही 0 शॉट 0 ऑन टारगेट रहा, ऊपर से बिल्कुल बिल्ड अप में उनके पास बॉल रहा नहीं, इवन दो पोजेशन ऑलमोस्ट इक्वल था दोनों के पास, बट इवन देन यू कुड नॉट सी एनी थिंग फॉर्मिंग अप इन चेन्नईयन एफसी गेम प्ले टुडे। एंड वैसे ही सेकेंड हाफ जब शुरू होता है, एक बहुत ही बढ़िया चांस ऑर्टिज ने मिस कर देते हैं वहां पे, वरना बहुत जल्दी हैट्रिक हो जाता उनका, बट ज्यादा टाइम नहीं लगा उनको टू यू नो गेट हिज 3rd गोल एज वेल, और वो भी आइबन ने ही इनिशिएट किया था, आइबन का ही असिस्ट रहा है उस गोल में भी, दैट्स व्हाट आई थिंक। तो आइबन का बॉल फाइंड्स ऑर्टिज एंड ऑर्टिज कन्वर्ट्स इट, ही इज दैट पोचर, ही इज दैट स्ट्राइकर दैट एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव इन देयर टीम, ताकि जब जरूरत पड़े तुम डिलीवर करो, एंड दैट्स व्हाट ही डिड। एक और प्लेयर जिनके बारे में हम बात करेंगे वो है एडू बेडिया। यार उनके मोस्ट पासेस, मोस्ट टचेस इन द गेम रहे हैं आज, तो यू कैन से दैट ही वॉज द हार्ट बीट फॉर एफ सी गोवा, क्योंकि सब कुछ उन्हीं से बन रहा था। ही वॉज दैट प्ले मेकर इन एवरी पार्ट ऑफ द गेम, एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट यू कैन सी ऑन द स्कोर शीट एज वेल। जिस तरीके से एफ सी गोवा ने आज गोल पे गोल करे, एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन सी इन एफ सी गोवा टीम, बिकॉज दे वर्न्ट रियली स्कोरिंग दैट मेनी गोल्स जितने उन्होंने आज एकदम में कर दिए। बट वहीं अगर दूसरी तरफ चेन्नईयन एफ सी की बात करते हैं, सबसे कम गोल्स अब तक लीग में चेन्नईयन एफ सी ने मारे हैं, विच इज जस्ट 14
यार अगर तुम इतने कम गोल्स मारोगे हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू मूव अहेड इन द गेम? इट्स नॉट पॉसिबल. यू नीड टू शो दैट फ्लेयर, यू नीड टू स्टेप अप योर गेम. और आज का गेम का मोटिवेशन फॉर चेन्नईन एफसी अलग होना चाहिए था, बिकॉज यू नो जो लीग है टेबल पे इतना कम डिफरेंस है, और अगर तुम 3 पॉइंट्स जीतते हो तुम्हारा पोजिशन कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा. दैट इज द ब्यूटी ऑफ ISL दिस टाइम, बिकॉज इतना कम गैप है हर एक टीम में. दैट इज वाई यू नीड टू परफॉर्म इन एवरी डैम गेम एंड यू जस्ट कांट लेट इट गो दैट वे. तो आई थॉट दैट मोटिवेशन बिहाइंड दिस गेम फॉर चेन्नईन एफसी वुड बी मोर, बिकॉज लूजिंग दिस गेम इज लाइक क्या मतलब कहाँ कहाँ तक जाओगे तुम. एफसी गोवा के लिए ये गेम जीतना ऑब्वियसली बहुत जरूरी था, बट लाइक आई सेड कि पिछले 5 गेम्स इनको एक विन नहीं मिला था, बट फाइनली और किस तरीके से उनको ये विन मिला, 5 गोल्स एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे मैनेज टू कीप अ क्लीन शीट. मतलब वो होता नहीं है वो कॉन्सोलेशन प्राइज कि चलो 1-2 गोल तो हमने भी मार ही लिए, वो उन्होंने मौका ही नहीं दिया चेन्नईन एफसी को. सो एक कैन बी वन ऑफ द वर्स्ट विन्स दैट चेन्नईन एफसी हैज सीन, क्यों ना गोल कर पाए हैं और इतने गोल कंसीड कर लिए. एंड द परफॉर्मेंस वॉज एब्सोल्यूटली बैड, इट वॉज सो 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 बैड. डू कॉमेंट बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो वॉट डिड यू थिंक ऑफ द मैच एंड वॉट रियली वेंट रॉन्ग विद चेन्नईन एफसी. इन केस यू आर अ फैन ऑफ चेन्नईन एफसी, आई वुड लव टू नो वॉट यू थिंक इज द प्रॉब्लम विद योर टीम एंड वॉट इज इट दैट इज गोइंग ऑन रॉन्ग विद देम दिस सीजन. डू कॉमेंट बिलो अबाउट दैट, आई वुड लव टू रीड वॉट यू हैव टू से अबाउट इट. बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर हिट दैट बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नमस्ते.